डेफिनेट इंटीग्रल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग इसको, तो जैसे क्वेश्चन दे रखा y = x² / x³ ft dt दे रखा हमें, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले अपर लिमिट को करेंगे हम लोग, अपर लिमिट कितना आएगा 3x² और t की जगह इसको डाल देना है fx³ आएगा माइनस का 2x और fx² हो जाएगा। तो ऐसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब सवाल उठता है क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे हम लोग। क्वेश्चन देखो, एग्जांपल दिया मैंने कि लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से लेकर x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt और नीचे x sin x दे रखा है। तो हम देख रहे हैं कि 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। अगर हम यहां 0 डालते हैं तो लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम हो तो 0 होता है और नीचे भी 0 आ रहा है। तो यहां से मैं अप्लाई किया एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया हमने, इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया और t की जगह पर x स्क्वायर डाल दिया तो cos x के पावर 4 बन जाएगा जी। नीचे का डेरिवेटिव 0 होगा इसके, नहीं लिखेंगे इसको हम, और नीचे प्रोडक्ट रूल लगा दिया हमने, यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज किया हमने। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कि अब ऊपर नीचे फिर से देखो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है। तो हमने डिवाइड कर दिया इसको, डिवाइड किससे किया हमने, x से डिवाइड कर दिया हमने, x से डिवाइड करने के बाद ये कैंसिल हो गया, ये 1 आएगा, यहाँ पर sin x अपॉन x हो गया। तो लिमिट के रूल के हिसाब से ये वैल्यू कितना होता है 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, तो 2 अपॉन में 2 आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना है, एक क्वेश्चन कंफर्म मेंस या एडवांस में आएगा ही आएगा इसका।